हेलो दोस्तों, अभी व्हाट्सएप पे एक बहुत ज़्यादा मैसेज यहाँ पे वायरल हो रहा है, रेड टिक वाला। दोस्तों, अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो यहाँ पे एक टिक, सामने वाले के पास चला गया तो दो टिक, या सामने वाले पर्सन ने किसी आपका मैसेज देख लिया है ना, यहाँ पे दो ब्लू टिक जी। लेकिन दोस्तों, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज वायरल हो रहा है वो रेड टिक वाला। अगर आपके यहाँ पे मैसेज पे एक रेड टिक दिख रहा है, यानी कि आपका जो मैसेज था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोगों के बीच में वायरल हो चुका है। या फिर दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके मैसेज में दो रेड टिक दिख रहा है, यानी कि गवर्नमेंट आपके मैसेज पे नज़र है, आपके डाटा पे तीन टिक, यानी कि आप निपट चुके हैं, यानी कि आपके अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी केस हो सकता है। तो दोस्तों, इस टाइप की जो यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो अपडेट फीचर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट्सएप कोई भी ऐसा यहाँ पर रेड टिक वाला फीचर्स नहीं लेके आया, ये पूरी तरह से फेक है। इस टाइप की यहाँ पे फेक न्यूज़ के रिलेटेड चेक करने के लिए आप ट्विटर पे PIB फैक्ट चेक पे भी जाके वहाँ पे भी इसी टाइप की जो फेक न्यूज़ है वहाँ पे रिलेटेड चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी ऐसा कोई नया अपडेट नहीं है यहाँ पर रेड टिक वाला। तो दोस्तों, इस टाइप के मैसेज यहाँ पे फेक मैसेज से ज़रूर बचिए। और अगर आपके पास भी दोस्तों इसी टाइप के यहाँ पे फेक अगर न्यूज़ आती है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे उस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है, चेक कर लेना है, थोड़ा सर्चिंग कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। दोस्तों, अभी की स्थिति यहाँ लॉकडाउन और कोरोना वायरस के रिलेटेड में अगर कोई भी अगर हाँ फेक न्यूज़ अगर सेंड करते हैं, ज़रूर आपके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन हो सकता है, पुलिस केस हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी आप इसी टाइप की अगर न्यूज़ आपको मिलती है तो उसके बारे में ज़रूर आप पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लें, सर्चिंग कर ले, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सेंड करना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।